चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर अपन करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिसेस। देखो रैंक क्या होती है, देखो इसका भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल से रैंक की डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, बस सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज ऑफ, ठीक है, मैट्रिसेस। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई भी मैट्रिसेस दी हुई है तो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज है। मतलब नॉन जीरो रॉ का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। अगर जैसे जीरो टू जीरो है तो नॉन जीरो, वो नॉन जीरो हो गया, राइट। जीरो 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 हो गया तो वो जीरो एलिमेंट हो गया, ठीक है। जैसे कि ऐसा कुछ, ये जीरो जीरो दिया हुआ है, ये 3 4 2 1 2 7 जो भी है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, एक एक जीरो रॉ है और एक दो क्या है, नॉन जीरो रॉ है। तो इसकी रैंक क्या होगी, ये इसकी रैंक होगी 2 होगी। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज रैंक, ठीक है ना। अब मैं इसका आपको क्वेश्चन कराता हूँ, कैसे अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए ऐसे क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप अपन को इसकी रैंक निकालनी है। देखो बेसिकली करना क्या है आपको, जब भी आपको देखो मैट्रिक्स दी हुई है ना, उसमें आपको क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है। और नंबर ऑफ ऑपरेशन लगाकर क्या करना है, आपको चेक करना है कि कितनी इसके अंदर जीरो बन रहे हैं। मतलब कितनी सारी रॉ है जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो बन जाएंगे। तो आपको कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे करके इसको जीरो बना सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्टेप। अभी सबके स्टेप अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आपको करना है, आप कैसा भी कर सकते हो। फर्स्टली मैंने क्या करा, R1 को R3 से क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ये कैसे भी कर सकते हो आप, आपको चेक ये करना है कि भाई कितनी जीरो इंटरचेंज करने पर, पता है आपको माइनस लगता है। जब भी दो रॉ या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक एक्स्ट्रा क्या लगता है, माइनस लगता है। तो 3 1 1 और बीच वाला ऐसा कैसा रहा, और 0 0 -3 यहाँ पर हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो एक चीज़ हो सकती है कि मुझे क्या करना है, कैसे करके जीरो लिख रहा आना है कैसे भी करके, ठीक है। देखो कैसे लिखा सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो मैंने एक एलिमिनेशन लगाया, मतलब एक ऑपरेशन लगाया, R2 = R2 - 3R1, ठीक है, R2 = R2 - 3R1। देखो उसे जीरो बनेंगे, देखो क्या आएगी इसे सॉल्व करने पर, सॉल्व करो, ऑपरेशन लगाओ, माइनस तो ही रहेगा 3 1 1 0 0 2 और फिर 0 0 -3, ओके। देखो अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, जब तक आपको लगाते रहना तब तक आपका जीरो बनता नहीं है। अब मुझे एक चीज़ लग रही है कि जीरो बन जाएगा। देखो अगर मैं इसके अंदर एक ऑपरेशन लगा दूँ, R3 = अगर लगा दूं मैं 2R3 + 3R2, ये आपको सोचना पड़ेगा देखो थोड़ा, ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका यही है, ध्यान रखना, रैंक निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि गिन लो कितनी जीरो बन रहे हैं, ठीक है ना। जितनी नॉन जीरो आपकी रॉ बनेगी उतने ही आपकी रैंक होगी, ठीक है। तो ये लगाने से क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 3 1 1, फिर मिलेगा 0 0 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0 0 और 0। अब देखिए, एक तो मुझे ज़ीरो वाली रॉ मिल गई है, अब मैं कुछ भी कर सक अब मैं मतलब अगर ऑपरेशन फर्दर लगाता हूँ तो क्या बाकी वाली रॉ ज़ीरो हो सकती है क्या, लगा के देखिए आप, नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी वाला ऑपरेशन कितना भी लगा दीजिए, ये दोनों रॉ तो नॉन ज़ीरो बन के ही रहेगी और ये तीसरी वाली ज़ीरो ज़ीरो हो गई है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने रैंक की डेफिनेशन क्या दी कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉ, तो कितनी नॉन ज़ीरो रॉ है, 2 है। तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक हो गई 2। मेरी बात समझ में आई, मैं अभी 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें अपन को रैंक फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, करने का तरीका ये कि सबसे पहले आप इसको क्या करो, इसको पॉज करो, खुद सॉल्व करो और उसके बाद देखो क्या होता है, ठीक है ना। अब मुझे वही तरीका करना है, मुझे कैसे करके इसको जीरो बनाना है। अब ऑपरेशन आपको याद नहीं रखना है, आप कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो, जरूरी नहीं कि जो मैं लगा रहा हूँ वही करना आपको, आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको जीरो बनाना है। अगर जीरो नहीं बन रहा है तो रैंक 3 भी हो सकती है, ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने ऑपरेशन लगा दिया, लेट अपन ऑपरेशन लगाते हैं R3 = R3 + R1 कर लेते हैं एक बार, ठीक है, R3 = R3 + R1 कर लेते हैं, देखो क्या आता है, R3 = R3 + R1। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 0 2 2 7 4 8, या ऐसे अच्छा रहेगा, देखो जरूरी नहीं जो मैं लगा रहा हूँ वो का वो आप लगाओ, ठीक है, कुछ और अच्छा ले लेते हैं। देखो ये थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, कोशिश करते हैं, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, करते हैं। देखो R3 = R3 + R2 करके देखते हैं तो कितना आएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा 0 2 2, ये 7 4 8, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है कि इस फर्स्ट वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में से माइनस कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो R3 = R3 - 2R1 कर लेते हैं,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0227480000। अब कोशिश करके देखना क्या इन इसमें से किसी को जीरो बना सकते हो, नहीं बनेगा ये। तो इसकी रॉ कितनी आ गई, सॉरी रैंक कितनी आ गई, टू आ गई, टू इज़ द राइट आंसर। बात समझ मारी है, सबसे अच्छा तरीका है, छोटा क्वेश्चन आएगा 86 के अंदर, इस टाइप क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। 2 × 3 का भी आ सकता है, वो सब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा है इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, वो इस टाइप करना आपको। बहुत अच्छा तरीका है कि कितनी सारी जीरो बन सकती है। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, 5-6 क्वेश्चन करना है, जैसे मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन को वापस करना है और ट्राई करना है, ठीक है ना। जितना जीरो बन सकता है आप सोचो, आप लोग कैसे जीरो बना सकते हो। तो आपने दिमाग लगाया कि चलो कुछ करते हैं, स्टेप करते हैं, आपको लगा ये यहाँ पर जीरो, यहाँ पर देखो, जो ऑलरेडी जीरो बन चुका है उसको छेड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना। जो जीरो बन चुके हैं उसको ऑलरेडी छेड़ना नहीं है। अब आप कुछ ऑपरेशन लगाओगे, सोचो देखो, कुछ ऑपरेशन आपने लगाया, लेट आपने सोचा कि चलो सर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर इसको माइनस करते हैं, मैं कहूँ कोई फ़ायदा तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, करो तो सही हुआ, चलो ठीक है। चलो मैं लगाता हूँ कि R1 माइनस, वैसे कुछ फ़ायदा लग नहीं रहा मुझे, ठीक है, तो मैं सोचूंगा चलो R3 वाला लगाता हूँ, ठीक है ना। ऐसे सोचना, आपको भी सोचना, देखो इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर ये बेसिकली ये काम आता है कि भाई आप कितना थिंकिंग कर सकते हो, कितना सोच सकते हो। तो मुझे लगा R3 माइनस R1 करना चाहिए एक बार, ठीक है। 3-4 ऑपरेशन लगाओगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको कि यार ये वाला जीरो बन नहीं रहा है, ये वाला धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए चल जाएगा आपको, ठीक है। 1487 आया, 0030 आया, मुझे लगा ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी 4 कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर ये हो गया R3 माइनस, ये -6 हो गया। फिर मैंने R3 माइनस 4R1 किया 32, 3 में 32 का माइनस का 29, फिर R3 माइनस 4R1 किया माइनस का 27, और नीचे बच गया 3, 12, 24, 2। फिर मैंने कुछ ऑपरेशन लगाया, अब ये खुद प्रैक्टिस करना। अब कितना भी ऑपरेशन लगा दो इस मैट्रिक्स में, देखते पता चल रहा है कि कोई भी टर्म, कोई भी रॉ जीरो होगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर चारों ही रॉ, कोई भी रॉ जीरो नहीं हो रही है तो इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक होगी 4। आ रही बात समझ में, क्योंकि एक भी अपन को रॉ अपन उसको जीरो नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, रैंक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है मेरी बात को। 4-5 क्वेश्चन अपन और करते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर कर लेते हैं वाला टॉपिक, ताकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए 86 के अंदर तो अपना गलत ना हो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन आपके बेस, चलो ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करो, जितना आप ऑपरेशन लगाओगे उतना आपका आएगा। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, देखो सबसे पहले R2 R2 -3 R1, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे नहीं करना आपको, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। ये तो मैंने जो सॉल्व किए हैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। ज़रूरी नहीं जो मैंने ऑपरेशन लगाया वैसे वैसे ऑपरेशन, आप बोलोगे सर ये याद थोड़ी करने पड़ेंगे, नहीं याद नहीं करने, ये तो आपको प्रैक्टिस से आएंगे, आप बस ऑपरेशन लगाते रहो, ठीक है, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि अच्छा चलो ठीक है। सबसे सही तरीका यही है रैंक निकालने का, इसके आगे लगा दिया मैंने R3 = R3 - R2। अब R3 - R2 करा तो ये आ जाएगा 1 2 3 0 - 2 - 4 0 0 0। तो इसका मतलब ये जीरो बन रहा है, और कुछ जीरो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब कितना हो गया, रैंक हो गई आपकी 2। क्लियर हो रहा है सब कुछ, कैसे रैंक फाइंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो को क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आपको, ठीक है, फिर रैंक वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन an वैल्यू और डिटरमिनेंट, वो an वेक्टर फाइंड करेंगे, क्लियर। देखो रैंक जरूरी नहीं है कि 3 × 3 की होती है, 2 × 2 की होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। देखो इसकी, इसका अगर आप ऑर्डर लिखा लोगे वो 3 × 4 है, तो इसकी रैंक कैसे फाइंड करोगे, हो रहा है बात समझ में, इसकी रैंक कैसे फाइंड करेंगे अपन। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा सा कि कैसे आप इसकी रैंक फाइंड कर सकते हो। देखो एक काम कर सकते हो, देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे, देखो देखो इसका 2 टाइम्स करोगे कितना आएगा, 12, और इसमें से ये -2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ से देखते मुझे पता चल रहा है कि R1 को एक काम करना चाहिए, 2R1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और -R2 कर देना चाहिए। देखो क्या आता है, तो कितना होगा, 6 + 14 आएगा ये, अगला क्या आएगा, अगला आएगा -14, अगला शायद कितना आएगा, 8 0, और अगला आएगा 8 - -10। देखो बिल्कुल सिंपल सा मैंने एक ऑपरेशन लगाया, ऐसे ही आपको ऑपरेशन सोचना है, ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये वाली रॉ और ये वाली रॉ बिल्कुल सेम है, अगर मैं R1 को
आर वन माइनस आर थ्री कर देता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 0 0 0 माइनस 2 14, सॉरी 8 18 14 माइनस 14 0 माइनस 10। अब यहाँ पर कितनी नॉन जीरो रॉ कितनी है, अब आप पीछे देखो कोशिश करना इसको जीरो बनाने की। ये जीरो इसलिए नहीं बनेगा, देखो यहाँ पर 14 माइनस 14 है, लेकिन ये देखो ये जीरो नहीं बनेगा, इसको जीरो बनाओगे तो ये नहीं बनेगा, अल्टीमेटली एक ही जीरो बन सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। तो इसकी नंबर ऑफ रॉ कितनी होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ रॉ हो गया 2 हो गया, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर रैंक कितनी होगी, नंबर ऑफ रॉ सॉरी नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ हो गई 2, तो रैंक कितनी होगी ये 2, क्लियर है। तो इस तरीके से आप रैंक निकाल सकते हैं। दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, जिसके आंसर मैं आपको बता दूंगा वो क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपकी रैंक निकल रही है या नहीं निकल रही है, ठीक है ना, क्लियर। चलो तीन चार क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखो वो क्वेश्चन करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, इसकी रैंक फाइंड करनी है। 1 2 3 2 4 7 3 6 10, ठीक है। इसकी रैंक फाइंड करनी है, इसकी रैंक 2 आ रही है, पता ना मुझे आई कि नहीं आई आपकी, ठीक है ना, कोशिश करनी है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 2 1 -1 0 2 2 1 -3, इसकी रैंक फाइंड करनी है, इसकी रैंक आएगी -3, कमेंट करके बताना आया कि नहीं आया, ठीक है। इसकी कट के बताना 2 4 3 -2 -3 -2 -1 4 6 -1 7 2, ठीक है। इसकी रैंक फाइंड करनी है, इसकी रैंक आएगी आपकी 3 आएगी, ठीक है ना। बताना इनके तीनों के आंसर आपके आया कि नहीं आया, ठीक है ना, सॉल्व कर बताना। तो ये रैंक वाला टॉपिक हो गया, ये इससे बाहर कुछ भी जाएगा, ठीक है। ढंग से क्वेश्चन कर लेना और थोड़ा अच्छे से देख लेना क्या कंसेप्ट बताया मैंने। सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ कितनी है, बस उसी से रैंक निकलेगी। ऐसे बहुत सारी फॉर्म होती है, लेकिन अपन को सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि इस तरीके से रैंक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रैंक का टॉपिक इस टाइप से कंप्लीट होता है, क्लियर। तो इस तरीके से आप रैंक फाइंड कर सकते हो। अब आपसे एक बात शेयर करनी है, ठीक है ना। हाँ तो मैं मानता हूँ यार, मैं काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाले, बट उसके पीछे एक रीज़न था। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो एकदम लास्ट स्टेज पर है। अब यार ऐसी कंडीशन में वीडियो डालने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। इवन मेरी जो ऑफलाइन क्लास चलती है वो भी थोड़ी सी शेड्यूल में नहीं चल पा रही है, क्योंकि मैं इधर उधर भागते रहता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम भी है जो भी है, ठीक है ना। तो इस कारण से थोड़ा सा डिले हो जाता है। बट सीरियसली मतलब आप मानोगे नहीं कि मैं जितना टाइम निकालता हूँ उससे ज़्यादा टाइम मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ यार। मैं आपके लिए सीरियस ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप जब अपन स्टार्ट किया था, अपन लोग जुड़े थे, तो मैंने कितने सारे वीडियो डाल दिए यार आपको। मैथ्स का तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 80 से कोर्स कंप्लीट ही करा दिया। फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ के डालता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप फिजिक्स ठीक पढ़ाते हो, तो उनके लिए मैं पढ़ के डालता हूँ। और यार ऐसा कुछ नहीं, देखो वेव ऑप्टिक्स जैसे टॉपिक डालता हूँ तो मुझे खुद को पढ़ना पड़ता है 2-3 घंटे, तब जाके मुझे उसमें से कॉन्सेप्ट निकलते हैं, फिर मैं जाकर डालता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि चलो आधा घंटा अगर स्टूडेंट अपने वीडियो पर अगर दे रहा है, तो वो आधे घंटे में 1 घंटे की चीज़ें सीख के जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीख के जाए, जो वो अपने एग्ज़ाम में अप्लाई कर सके, ठीक है ना। रही बात देखो आपके मैथ्स के कोर्स तो मैंने लगभग लगभग करा दिया, जो भी टॉपिक है वो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है ना। फिजिक्स ऐसा है कि यार मुझे खुद को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है नहीं, तो मैं खुद को खुद पढ़कर फिर आपको पढ़ाता हूँ मैं। और रही बात आपके कोर्स की, तो ऑब्वियसली मतलब देखो अब मेरे को मिली है 5 दिन की छुट्टी, तो मैं आप देखिएगा कैसे मैं कोर्स खेसता हूँ, क्लियर है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए सीरियस नहीं हूँ यार, ठीक है ना, आपके लिए बिल्कुल सीरियस है अपन। और बस वही है, आप लोग ढंग से तैयारी करो, और जिनको मेरा कंटेंट पसंद नहीं है ना भाई, जिनको अच्छा नहीं लगता, जिन जो क्रिटिसाइज़ करते हैं यार, आप लोग अनसब्सक्राइब करके दूसरे चैनल पर जाओ यार, इस पर आने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको कौन बोलता है कि मेरे को फॉलो करो, ये बताओ। मैं तो नहीं बोला आपको फॉलो करने के लिए, ठीक है। आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप जाओ कहीं और जाओ, जो आपको अच्छा मिलता है कहीं और जाओ, सिंपल सी बात है। मुझे नहीं चाहिए भीड़, सिंपल, मुझे तो भली 100 बच्चे चाहिए जो पढ़ने वाले बच्चों, मुझे नहीं चाहिए। आप लोग आते हो उल्टी सीधे कमेंट करते हो,
ठीक है, फिर मैं आपको ब्लॉक करता हूँ, क्या मतलब ये बताओ। अगर आपको पढ़ना है तो ढंग से आओ पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, दूसरे चैनल पर जाओ, दूसरे चैनल और अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझसे वो और अच्छा पढ़ाते हैं, आप उन पर जाओ उन पर देखो। आपको मैं तो नहीं बोल रहा हूँ आपको कि मेरी चैनल पर आओ, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। और जो सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है ना, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बाकी का अपन को कोई टेंशन की वाली बात है नहीं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं अपन, ठीक है ना, रैंक वाला हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका ये ए एन वैक्टर और ए एन वैल्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन कौन से कराने हैं आप मुझे बताना, ठीक है, मैं बिल्कुल कराने की कोशिश करूँगा और मैं कराऊँगा, ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ थोड़ा मान लिया 15-20 दिन जो भी है अपना शेड्यूल थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बट इट्स माई पर्सनल प्रॉब्लम, हो जाता कई बार, ठीक है ना, उसके लिए मैं भी दुखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप अकेले हो। मैं भी सोचता हूँ कि यार यार आज स्टूडेंट का, मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, और एक्चुअली आज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं सुबह उठा तो मेरे पास मॉर्निंग में कम से कम 50-60 WhatsApp मैसेज आए हुए थे जो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है। आप में से बहुत से बच्चों ने कमेंट किए थे, मतलब व्हाट्सएप मुझे किया था, और हैप्पी दिवाली सर ये सब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली लगा कि चलो ठीक है यार, ये 100 बच्चे एक्चुअली अपने खुद के हैं, ये 100 बच्चे मतलब सीरियसली इनको मैंने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है। तो उन 100 बच्चों के लिए ही, मतलब देख लो आप लोगों के लिए ही सबसे मतलब ही नहीं मुझे, जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं ना उनके लिए ही ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी करते रहो, मैं इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, और कमेंट करके बताओ मुझे कौन कौन से टॉपिक पहले कराने हैं, और अभी अभी कमेंट करना, ठीक है। आज रात को नींद आ नहीं थी मेरे को, तो वीडियो बनाता रहूँगा मैं, ठीक है ना। ये रैंक वाला वीडियो एंजॉय करो, नेक्स्ट वीडियो अपन मिलते हैं, ठीक है।